दोस्तों, दिल्ली में सिकंदर लोदी की कब्र मौजूद है, जो कि भारत के शासक रह चुके हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगा वही सिकंदर लोदी की कब्र, जो कि यहाँ पर सिकंदर लोदी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ इस समय उसी सिकंदर लोदी के कब्र के सामने, यानी कि मकबरे के सामने। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सिकंदर लोदी का मकबरा पूरा अच्छी तरीके से, जो मेन गेट आपको दिख रहा होगा ये आपको नजर आ रहा है। इसी मेन गेट के अंदर सिकंदर लोदी की कब्र मौजूद है, जो कि यहाँ दिल्ली में लोदी गार्डन के अंदर मौजूद है। दोस्तों, चलते हैं इसी मेन गेट से अंदर की ओर और दिखाते हैं आपको सिकंदर लोदी की कब्र। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं दिल्ली में स्थित सिकंदर लोदी का मकबरा और बताते हैं सिकंदर लोदी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं वीडियो में आगे। सिकंदर लोदी का मकबरा, जो कि लोदी गार्डन नई दिल्ली भारत में स्थित है, ये मकबरा लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी का मकबरा है, जो कि उनके बेटे इब्राहिम लोदी द्वारा 1517 और सन 1518 ईस्वी में बनवाया गया था। जिस क्षेत्र में यह स्थित है उसे औपचारिक रूप से ग्राम खैरपुर कहा जाता है। सिकंदर लोदी, जिनके जन्म का नाम निजाम खान था, वो बहलुल लोदी के पुत्र थे। वो 1489 और 1517 के बीच दिल्ली के सुल्तान थे और 1489 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी ने उसी वर्ष शासन संभाला और 1517 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक शासन किया। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र इब्राहिम लोदी ने उनका मकबरा बनवाया। सिकंदर लोदी का मकबरा मोहम्मद शाह के मकबरे से कुछ हिस्सों में प्रेरित था, जो कि लोदी गार्डन में स्थित है। आइए दोस्तों, चलते हैं मकबरे के अंदर और दिखा रहे हैं आपको हम मकबरे का ये मेन गेट, और हम पहुंच चुके हैं मकबरे के ठीक सामने, यानी कि सिकंदर लोदी का मकबरा आप देख रहे हैं सामने। बहुत ही खूबसूरत ये मकबरा बना हुआ है और मैं इस मकबरे को चारों ओर से, इसका गार्डन और इसकी बाउंड्री, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये एक दूसरा गेट देख सकते हैं इस मकबरे का, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत मकबरा ये बना हुआ है, जो कि लोदी गार्डन में ही स्थित है। सिकंदर लोदी का मकबरा मोहम्मद शाह के मकबरे से काफ़ी हिस्सों में प्रेरित था। ये एक अष्टकोणीय बनावट है, यानी कि इस मकबरे की बनावट में 8 कोने हैं और इसकी स्थापत्य शैली इंडो इस्लामिक है। ये मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है और भारत का सबसे पुराना सुरक्षित संलग्न उद्यान मकबरा है। ये मकबरा एक किलाबंद परिसर के भीतर संलग्न है, जिसका प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर से किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रवेश द्वार के साथ दो छत्र के आकार के गुंबद, यानी कि मंडप हैं, जिसे इमारत के समरूप और सापेक्ष अनुपात को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। सामने चबूतरे पर दोनों मंडपों में नीली टाइलों के अवशेष हैं। मकबरा एक बड़े बगीचे और ऊंची चार दीवारी के बीच में स्थित है। ये आप चारों ओर का गार्डन देख रहे हैं, परिंदे बहुत आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। हमेशा यहाँ पर टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। मकबरे का कक्ष एक विस्तृत बरामदे से घिरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यानी कि मकबरे के चारों ओर एक पतला सा बरामदा बनाया गया है, जिसमें नक्काशीदार खंभे खड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक 3 मेहराबों से छेदा गया है और कोण ढलान वाले बटों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल चारों ओर से एक सी है
और ये अष्टकोणीय गोलाई में बना हुआ है। मकबरों की दीवारों पर मुगल वास्तुकला के डिजाइन हैं और दीवारों पर कई विदेशी भाषाएं खुदी हुई हैं, जिसमें अरबी भाषा प्रमुख है। आप यहां पर अरबी भाषा में लिखित यानी लिखाई आप देख सकते हैं मकबरों की दीवारों पर। ये सामने आप देख रहे हैं सिकंदर लोदी की कब्र है और अंदर से हम आपको इसका नज़ारा दिखा रहे हैं। खिड़कियां हैं चारों ओर, कई सारे गेट लगे हुए हैं लेकिन गेट बंद कर दिए गए हैं, इसके अंदर जाना इस समय बंद कर दिया गया है। यानी कि पुरातत्व विभाग के अधीन ये सब मकबरे और प्राचीन जगहें, मस्जिदें, किले, ये सब पुरातत्व विभाग के अधीन आते हैं इस समय, और पुरातत्व विभाग ने ही इनका इंतजाम कर रखा है और इसकी देखरेख वही करते हैं। मकबरे को विभिन्न रंगों की तामचीनी टाइलों से सजाया गया है। परिसर के अंदर पश्चिमी दीवार की एक दीवार को मस्जिद के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि किबला को मेहराब और सामने के पक्के क्षेत्र के माध्यम से दर्शाया गया है। यानी कि उस दीवार का जो ढाल है वो किबला की तरफ किया हुआ है। और दोस्तों, वो ये पतला बरांडा ये चारों ओर हम आपको दिखा रहे हैं मकबरे का, और आप इसकी भव्य दीवारें देख सकते हैं। कितनी प्राचीन दीवारें आपको हम दिखा रहे हैं और कितनी प्राचीन इसकी बनावट है। आज हमारे भारत देश में इन प्राचीन जगहों से ही ये देखा जाए तो बहुत ही सौंदर्यकरण बना हुआ है, जो कि देश और विदेशों से हमारे भारत में जब टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए तो इन प्राचीन जगहों को अक्सर देखने के लिए आते हैं और यहाँ का आनंद उठाते हैं। और हमारे भारत के जितने भी मुगल हैं और प्राचीन बादशाह रह चुके हैं, उन सब के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं और बहुत ही आनंद उठाकर हमारे हिंदुस्तान से अपने देश को लौटते हैं, और जो कि हमारे हिंदुस्तान का फिर बाद में बखान करते हैं, हमारे हिंदुस्तान के सौंदर्यकरण का बखान करते हैं, जिससे कि हमारे भारत का आज गौरव बना हुआ है इन प्राचीन जगहों की वजह से भी। दोस्तों, मैं मकबरे के अंदर हूं इस समय, देखिए, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक हिस्सा आप तक पहुंचाया जाए। ये देखिए, परिंदे यहां पर बैठे हुए चुग रहे हैं, और मकबरा चारों ओर अष्टकोण से बना हुआ है, आठ कोने हैं इसमें, ऊपर भव्य एक गुंबद है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अखलाक मेहरबान, मैंने आज आपको दिखाया भारत के शासक सिकंदर लोदी की कब्र, जो कि दिल्ली में मौजूद है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल अनोखे मंजर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। थैंक यू।